बात सुन लो, इस प्यार के लिए मुझे प्यार करना पड़े, इस प्यार के लिए मुझे शादी करनी पड़े, और इस प्यार के लिए अगर मुझे बच्चा भी करना पड़ा ना, नहीं मुझे अमेरिका में इच्छा पूरी करनी है अपनी। मुझे बचपन से सपना था कि मैं अमेरिका जाऊंगी, इतना अच्छा मौका मुझे मिल रहा है। मेरे को लगा सो गई तू, इतनी देर लगा तेरे खोलने में। How was your day today, darling? How was your day today? क्या अंग्रेजन बनी हुई आज? कैसा रहा आपका दिन आज का? बैग को दिखा यार। क्या? बैग में क्या करना है यार अपने यार? हर एक पेपर था उसको दिखाना मेरे को। आप चाय लोगे, कॉफी लोगे, कोल्ड ड्रिंक लोगे, क्या लोगे आप? कोल्ड ड्रिंक लोगे? नहीं, इतनी सारी चीजों का क्या मतलब है? मैं पहली बार आ रहा हूँ। अरे तुम आए हो सुबह से थके हारे, तुम घर पे आए हो, तुमसे पूछ रहे हो प्यार से। कुछ नहीं चाहिए मेरे को वैसे, बात क्या है ये तो बता दे मेरे को। अच्छी लग रही हूँ मैं आज? मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। क्या हो गया? बताओ क्या हुआ है, बताओ। जैसे तो बताए बिना रहेगी नहीं, बताएगी तो सही। तेरे पेट में कोई बात फंसती है? मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। बात छुपा के मैं तुमसे खुश हो रही है? अरे पर वो बात छुपाना इतना अच्छा साबित होगा, मुझे ये नहीं पता था। एक हफ्ते पहले ना मेरे दीपक मामा का कॉल आया था, और मतलब मैं इतनी खुश हूँ इस चीज को लेकर। खुश हूँ। दीपक मामा कौन है? दीपक मामा मेरे मामा, दीपक मामा तुम्हें पता है? चुच्चू मामा सुना है दीपक मामा कब पैदा हो गए? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तुम्हें पता नहीं है वो वॉशिंगटन में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, और पता है मेरे लिए ना इतना मतलब मुझे इतना खुशी हुई ना उनका कॉल आया। एक चम कपड़े धोने को ना वॉशिंगटन को नहीं बोलते, एक चम कपड़े धोते होंगे वॉशिंगटन। ऐसी बातें करते हो? कौन दीपक है मेरे को नहीं पता। मेरे दीपक मामा तुम नहीं जानते, क्योंकि मैं तुम्हें उसके बारे में बताती हूँ। मेरे को ना वो बचपन से ही चाहते थे, जब मैं हुई थी ना उन्होंने मम्मी को तभी बोल दिया था कि मेरे को बेटी दे दो, मतलब मैं इसको अपने साथ अमेरिका ले जाऊंगा। और मतलब मम्मी को उस टाइम लगा कि नहीं देना, ये नहीं वो नहीं, मेरे साथ पता है इतनी इतनी देर बातें करते थे मामा जी, इतना मतलब हमारा ऐसा रिलेशन था ना कि मतलब सारी बातें, और कैसी है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, इतने अच्छे मामा मेरे। और तुम्हें पता है मतलब कितने लंबे टाइम के बाद उनका मेरे पास फोन आया, मेरी एक्साइटमेंट में आपको बता नहीं पा। मामा ही क्या जो इतने लंबे टाइम बाद फोन कर रहे हैं? वो यार उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से उन्होंने फोन नहीं करा इतने टाइम। और वो प्रॉब्लम पता है कौन थी? मामा की आदत, प्यार जाग गया अचानक से। या प्यार नहीं जागा, वो लंदन अमेरिका रह रहा है तो उसका क्या प्यार मामा का? अच्छा क्या प्यार तुम्हें पता नहीं है? पता है एक एक घंटा वो फोन पे कॉल करते थे, वो भी ISD कॉल, इंटरनेशनल लेवल पे वो मुझे फोन करते थे, इतनी इतनी देर बात करते थे। और मतलब तेरा कोई सेटल है। और वो ना हमारी शादी से नाराज थे, शादी के बाद उन्होंने मेरे से बात नहीं करी है, क्योंकि उन्होंने ना अपने पड़ोस में उनके शादी में शक्ल दिखाई, बच्चे होने में आए, फोन आया। यार जब वो शादी पे ही नाराज हो गए, शादी के बाद पे ही नाराज हो गए, उनको हमने तुम्हारी फोटो भेजी और उन्होंने मतलब उन्होंने थोड़ा सा उनको क्या फोटो भेजी क्या? अरे असल में उन्होंने अपनी कोई जान पहचान का लड़का था वहां कहीं, अमेरिकन था, उन्होंने मेरे लिए वो पसंद कर रखा था, बहुत सेटल्ड बहुत अच्छा लड़का, और मतलब मामा जी को ऐसा लग रहा था कि मैं और उसकी जो जोड़ी है ना वो परफेक्ट जोड़ी है। बचपन से मतलब मामा जी को बहुत पसंद था, और मामा जी मुझे हमेशा मम्मी को भी कहते थे कि मतलब हीरा जननी है तूने कुड़ी, हीरा। तो वो पंजाबी भी हैं वहाँ पे जो है, तो मतलब मामा जी को ना जब तुमसे मेरा रिश्ता हुआ ना उनका मूड बिल्कुल स्पॉइल हो गया। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर मेरे दांत इतने लंबे लंबे हैं क्या? दांत नहीं मतलब यार पता है क्या मूड क्या स्पॉइल हो गया? यार पंजाबियों की थोड़ी शो ऑफ की सोच होती है, थोड़ा सा उनको ये लगा कि लड़के का थोड़ा सा वो तो यार होती है ना सोच यार। क्या है वो? यार थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन का आपको पता है ना, थोड़ा सा हमारे में बीच में फर्क है, तो उसको लेकर ना उनका माइंड ऐसा सेट था कि लड़का कैसा पसंद कर लिया, क्या पसंद कर लिया, हमारी इको एक कुड़ी सी, पूरे खानदान में इतनी सोनी कुड़ी है ना, मतलब भगवान ने इतना सब कुछ दिया इस लड़की को, तो क्या मुंडा पसंद किया। बात तो सही है,
भगवान सामने नहीं थे? अरे किशन भगवान को नहीं मानते? अरे नहीं यार, राधा रंजन की पूजा करते होंगे, पूजा करते ही नहीं अमेरिका चले गए। नहीं ऐसा नहीं है, वो जो वो है ना गुरु जी है, जो वो गंजे वाले गुरु जी है, जो ऐसे हंसते हैं मुस्कुराते हैं, उनको बहुत मानते हैं वो, बहुत ज्यादा। किशन जी को नहीं मानते? किशन जी को मानने की बात यार एक वो पुरानी बातें हैं। और यार तो मैंने समझा दिया ना, मैंने वैसे समझाने के मैं चाहती थी कि मैं उनसे बात करूं, उन्होंने मेरे को पता है मेरे को कितना लंबा फोन किया, आज भी मेरी आंखों में आंसू आते हैं सोच के कि मैंने ना सब दर्द कर दिया, मेरे को पसंद नहीं करता तो ऐसे बंदे की बात यार मेरी बात तो सुन नहीं रहे, तुम समझ नहीं रहे, पसंद ही नहीं करते मेरे को, क्यों बात कर बता रही है, मेरे को सुननी नहीं ऐसे बंदे की बात। अरे क्यों नहीं सुन रही यार, अभी की बात सुन, फोन आया तेरे मामा, कल पैदा हुआ मामा फोन आ गया, कल पैदा हुआ की बात नहीं है, उन्होंने पता है मेरे को एक घंटा समझाया था मेरी शादी से पहले, एक घंटा उन्होंने मेरे से बात की थी कि बेटा तेरे को कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहा, तेरे को किसी ने कुछ कहा तो नहीं है, तेरे को कुछ किया, उनके माइंड में पता है क्या चीज है, मुझे खिला पिला के तुमने अपनी तरफ फैलाया है, वो ये सोच रहे थे इसलिए वो तुमसे गुस्सा थे, इसलिए पता है आज तक 15 सालों में उन्होंने मेरे से फोन पे बात नहीं की, अब फोन आया उनका मेरे पास। चलो अच्छा सारी बातें छोड़ो, तुम छोड़ो तुम सारी बातें छोड़ो, अब मेन मुद्दे की बात सुनो कि अच्छी खुशी की खबर क्या है, फोन आया, तूने पहली बम फोड़ दिया, अब दूसरा बम पड़ेगी, मेरे को ऐसा लग रहा है। कोई बम नहीं, मेरे को अपनी वैल्यू पता चली है, आज मुझे ये एहसास हुआ है कि मैं क्या हूँ, मेरे पास कितना सब कुछ है, मेरे को मतलब इंडिया तो छोड़ो अमेरिका में ऐसे 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 पसंद कर लेते हैं लोग। तेरे को रील वायरल होगी क्या? तुम ना रील रील से ऊपर उठो यार, रील से ऊपर उठो तुम। क्या भागे, भागने से वो रखा हुआ है क्या? I love you। पता क्या हुआ है? मुझे वहां पर जॉब मिल गई है और वो भी एज अ टीचर, एज अ टीचर। तुम्हें पता है मोदी जी की तो मैं कहती हूँ मैं इसलिए मोदी जी की भक्त हूँ, हिंदी को उन्होंने इतना बढ़ा दिया कि अमेरिका में भी हिंदी की वैकेंसी निकलती है। और मेरे मामा जी ने ना मेरे से बोला एक हफ्ते पहले, मैंने आपको इसलिए नहीं बताया था, मैंने कहा जब सब कुछ हो जाएगा तब बताऊंगी, उन्होंने मेरे से बोला बेटा तेरे पास तो इतनी डिग्रियां हैं, इतनी चीजें तूने की हुई है, एमए की हुई है, बीएड की हुई है, इंग्लिश एमए, हिंदी एमए, ट्रांसलेशन का कोर्स, ये वो। और मैं सोचे मैंने एमफिल भी करनी शुरू कर दी थी, मैंने कहा हाँ मामा जी मेरा तो नेट भी क्लियर है, मेरे को पता ही नहीं था यार ये यहाँ के आसपास के स्कूलों में जाके ना मैं अपनी मतलब वही हनुमान जी वाला हाल है, अपनी इज्जत ही नहीं पता, अपनी वैल्यू ही नहीं पता। मैंने रिज्यूम भेज दिया और पता है क्या हुआ है? क्या हुआ है? पता है क्या हुआ है? क्या हुआ है? मुझे जॉब मिल गई है अमेरिका में 1st January से। ओह माय गॉड, वाओ। जी मेरी सैलरी पूछो, पागल हो गई है। अरे तुम सैलरी पूछो, सैलरी पूछो मेरी कितनी है? 31 लाख। 21 दिन बाद आ रहा है। 31 लाख रुपए हर रोज महीने की सैलरी, 31 लाख। टीचर्स कितनी सैलरी वहाँ पे? वहाँ पे बहुत सैलरी है, यहाँ के अकॉर्डिंग 31 लाख रुपए है और हर रोज का तुम्हें मानो 1 लाख, 31 का भी महीना होगा ना तो भी 1 लाख रुपया। सही में सही लग रहा है, सही है ना? तो मजा आ रहा है मुझे सुन के। सेटल्ड है वो वहाँ पे, उनके बच्चे बच्चे सब सेटल्ड है, पर वही बात थी कि मेरे से नाराज थे, नहीं तो मैं तो पता है अपनी जिंदगी में बहुत पहले सेटल हो जाती, इसीलिए तो कहती हूँ यार पता नहीं कई बार ना दुख भी होता है। तुम्हारे पंजाबियों का सही है, कोई ना कोई तो विदेशों में मिल ही जाता है। अरे तो मैं जा रही हूँ, मेरा बचपन का जब मैं हुई थी ना, मेरा बचपन से सपना था कि मैं विदेश जाऊंगी, वहां सेटल होंगी, पर वो मैंने ना बस शादी 19 साल में कर ली। कभी कभी गुस्सा भी आता है, 19-20 साल में कोई शादी क्यों मरती मेरी, शादी करके मजा तो पूरी थी, अब तक अपनी शादी भी होने लग गया। नहीं मतलब मामा की बातों में आ गई क्या? अच्छा चलो छोड़ो बाकी बातें, 31 लाख रुपए वहां पे मिलेंगे 1 January को, मैं यहाँ से, मैंने दिसंबर के महीने में करनी है पूरी शॉपिंग, अपने बैग बनाने, मेरे 1st day देखो मेरा अभी लुक आपको दिख रहा है, मजाक कर रही है। नहीं नहीं आपको लुक अभी नहीं दिख रहा मेरा, ऐसे थोड़ा सा ऐसे थोड़ी रोज में घर में बन के बैठती हूँ, देखो थोड़ा स्टाइल लग रहा है ना। और तुम्हें एक बात तो यकीन नहीं होगा, बकरे की बात नहीं है, तुम्हें ये बात भी यकीन नहीं होगा, मेरे से उन्होंने मीटिंग करी, ऑनलाइन मीटिंग हुई वहां के जो उनके प्रोफेसर वगैरह थे, आप यकीन नहीं मानोगे, पहले तो उन्होंने रिज्यूम देखकर कहा वाओ क्या मतलब रिज्यूम है लड़की का, क्या चीज है, यहाँ तो अमेरिका में ऐसी हिंदी, तेरी क्वालिफिकेशन तो अच्छी है यार, इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन, हैरान हो गए वो लोग। और जब उन्होंने ऑनलाइन लिया ना, इंटरव्यू हो गया तभी तो 31 लाख रुपए सैलरी बता रहे, और वो मुझे देख के पागल, वो कह रहे यही चाहिए यही चाहिए, मैम आप 2 महीने की एडवांस पेमेंट ले लो, 60 लाख रुपए 62 लाख रुपए अकाउंट में जमाने को तैयार है, बस मेरे को जाना है।
इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक। देखो वहाँ पे बस एक कंडीशन ये है कि वहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिजेस चलती हैं, और जिस लड़के को, पहले मेरी बात सुनना, बीच में मत टोकना मुझे, जिस लड़के से मेरी शादी मामा जी करना चाहते थे उसके ऑलरेडी 2 तलाक हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उसके माइंड में मेरी जो फोटो दिखाई थी वही सेट है, और वो मुझे आई डोंट नो मुझे फेसबुक पे देखता है, कहाँ देखता है कहाँ नहीं देखता, मतलब उसके अंदर वो लाइकिंग अभी भी, हाँ लड़का पंजाबी है और अभी भी वो मुझे लाइक करता है, मुझे उसने कभी कोई ऐसा कुछ नहीं बोला, लेकिन वो मामा जी बता रहे थे कि कोई बात नहीं तेरे को नहीं करना तो कुछ लाइक करता तो उससे क्या मतलब, टीचर के जॉब के लिए जा रही है। अरे यार आपको बता रही हूँ ना, वहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम है कि वहाँ पे मुझे अगर सेटल रहना है, मतलब पीआर अगर मुझे चाहिए, तो मुझे कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज करनी पड़ेगी, ओनली कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज, ओनली साइनिंग मैरिज। मैं उसके घर नहीं रहूंगी, मैं रहूंगी मामा जी के घर ही, और मेरे मामा जी पागल हो गई क्या, मामा जी साइनिंग मैरिज करनी, क्यों तेरी शादी हो रखी है, हो रखी है तो इंडिया में हो रखी है ना, क्यों पागल हो गई, वहां तो रहना है ना, वहां रहना तो मैरिज करनी क्यों, मैरिज इसलिए करनी, सुन तो लो यार, मैं क्यों सुनूं यार ऐसी बात, मामा जी ने बोला है कि तू, मामा जी जो हमारे कुछ लगते ही नहीं, क्यों नहीं लगते यार, मामा जी लगते हैं, अच्छा हुए वो अभी 31,000 रुपए की जॉब मिल रही थी तब तो सब कुछ लग रहे थे, अब कुछ नहीं लगता है, शादी करनी है, शादी एक मेरे लड़का तेरे को पसंद करता है, तो पसंद की मैं इसलिए बोलूं कि अब मेरी चाहे एज के अकॉर्डिंग या किसी भी अकॉर्डिंग वो पीछे ही नहीं हट रहा, मामा जी कह रहे ऐसा तेरे को मौका नहीं मिलेगा, कोई अभी कवारा वैसा भी नहीं, और वो लड़का मतलब वो प्यार है कि बस मैं आ जाएगी तो मैं उसको साइन कर दूंगा, मैं मतलब मामा जी बस ये कह रहे हैं तो उसके साथ घूम फिर लियो, थोड़ा बहुत कभी घूमने चले गए कुछ चले गए, अगर तेरे को वो इससे तेरे जो हस्बैंड है इससे 100 गुना बेहतर लगता है तो तू आगे रिन्यू करियो, अदरवाइज तेरे को रिन्यू करने की कोई जरूरत नहीं है मैरिज, तो मैं तो रिन्यू करूंगी ही नहीं ना, 1 साल की बात है, मैं तो रिन्यू नहीं करूंगी, तू समझा, हाँ नहीं तू समझा नहीं, अरे सरप्राइज सरप्राइज ये है कि मामा को सोचने दो जो सोच रहे हैं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, नहीं रह सकती, नहीं रहना चाहिए, मैं सिर्फ 4 महीने बाद, 4 महीने यानी हमारी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल बीत गया, हमारे बच्चों का सेशन हो गया कंप्लीट, बच्चों नानी दादी के पास रह लेंगे, 4 महीने बाद मैं तुम्हें वहां पर बुला लूंगी अपने पास, अब तक कुछ हाँ, और मैंने पता क्या सोचा इसके लिए, मैंने क्या प्लानिंग करी है, मैं उससे भी कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज कर लूंगी, ठीक है, ये क्या, ये तो एक मैरिज मैरिज तो करनी ही पड़ेगी, वो ऐसा कोई भी तरीका होता है स्कूल में जॉब करनी, अरे यार सुनो तो नहीं है कोई तरीका वहां पे रुकने का, आप जाके पूछो, वहां पे गाड़ी साफ करने की जॉब नहीं मिलती है, और वहां पे मुझे पीआर लेनी ही लेनी है, और पीआर लेने के लिए मुझे शादी करनी ही पड़ेगी, शादी करके मेरी प्लानिंग तो सुनो तुम पहले, फिर उसके बाद बोलना, 4 महीने के लिए मैंने ये सोचा है, 4 महीने के बाद, 4 महीने तक तो मैं मामा जी के पास रहूंगी, हम मैं उसको ऐसे सेट कर दूंगी बंदे को कि वो बोले नहीं, घूम लूंगी फिर लूंगी, घूमने फिरने में क्या जा रहा है, कौन सा उसके घर में रह रही हूं मैं, ये शादी करके घूमना फिर यार नहीं ना, शादी करके वो पूरा गोरा ही हो गया वहां पर, पंजाबी तो क्या वहां पे गोरे वाली हरकत होगी, तो यार हरकत क्या, तुम रहने दो, मैं इतनी समझदार हो गई हूँ, ठीक है, बेवकूफ नहीं हूं मैं, 4 महीने के बाद मेरी बात सुनो, 4 महीने के बाद मैं तुम्हें बुला लूंगी, और मामा जी को तुम्हारी फोटो गई है, मामा जी जानते हैं ना, वो तो नहीं जानता ना तुम्हें, उसके घर में मैं शिफ्ट हो जाऊंगी, उसके घर में शिफ्ट होके मैं तुम्हें यहाँ से बुला लूंगी एज अ मतलब थोड़े टाइम के लिए, तुम वहां पे नौकर बन जाना, मतलब असंभव असंभव, पागल हो गई क्या, अरे मतलब हमारे घर में यार तुम यहाँ पे भी तो चाय पानी बना ही लेते हो, कॉफी चाय, वहां पे क्या स्पेशल बनाना है, सिर्फ मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती ना, तुम्हें पता है ना, और देखो मेरी 2 कंडीशंस है, देखो 2 कंडीशंस है, पीआर मुझे लेनी ही लेनी है, और तुम्हारे बिना मेरे को नहीं रहना, तुम देखो तुमने वो उस पिक्चर देखी थी, वो कितने टाइम तक करिश्मा के लिए नौकर बना था गोविंदा, तुमने देखी थी ना, मैं तो सिर्फ तुम्हें थोड़े टाइम के लिए कह रही हूँ, 4 महीने कटने के बाद तुम आओगे, कितना बचा यार, वो उसके घर में जाके उसके बना घर में तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करेगी और मैं वहां पर नौकर का काम करूंगा, मेरे अरे पागल हो गई क्या, समझ नहीं आ रहा, हम दोनों जानते हैं ना, हम दोनों पति पत्नी है, वो जाएगा ऑफिस हम करेंगे मजे, अरे तुम मेरे घर में रहोगे, हम अगर वो आएगा तब मैं क्या करूंगा, जब हम बाहर से आएंगे, जब वो होगा तब मैं क्या करूंगा, तब क्या करोगे, कभी चाय ले आना, कभी सैंडविच, वो जो भी मांगे, कभी झाड़ू पोछा कर दिया, झाड़ू पोछा नहीं है, मैं इतना नहीं लगवा रही, वो मैं दूसरी लगवा लूंगी, तो मुझे पता ना तुम्हें क्या नहीं आता, तुम मैं कैसी बातें करते हो, मुझे पता नहीं मेरे पति को क्या आता है क्या नहीं आता, पागल हो गई क्या, मैं नौकर बनने जाऊंगा, तुम बात नहीं सुन रहे हो, देखो अब यहाँ पे तुम चाय
चाय बना के लाते हो तो तुम नौकर बन गए। देखो दो साल तो पीआर में लग जाएंगे, मतलब एक साल आठ महीने में आप नौकरी। अगर आप डेढ़ साल के लिए एक डेढ़ साल अगर नौकर बन गए तो क्या चला जाएगा? 15 साल मैं तुम्हारे साथ नौकर बन के घूम रही हूँ यहाँ पे, घर पे तुम्हारे लिए बना रही हूँ तो तुम्हें नहीं लग रहा? वहाँ तुम 4 दिन नौकर बन जाओगे। कोई नहीं जा रही, मुझे पीआर चाहिए चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए। तुम्हें अभी तक कुछ पीआर चाहिए? देखो पीआर चाहिए क्या? ऐसे थोड़ी ना जा सकती है, मुझे पीआर मेरे को नहीं भेजना, 31 लाख रुपए चेक क्या वाला। मेरी बात सुन लो, इस पीआर के लिए मुझे प्यार करना पड़े, इस पीआर के लिए मुझे शादी करनी पड़े, और इस पीआर के लिए अगर मुझे बच्चा भी करना पड़ा ना तो मैं उसके लिए भी नहीं पीछे हटूंगी। बस पागल हो गई तेरी मामा ने, क्या मुझे पिला दी तेरे? मैं पागल हो गई हूँ। अगर वहां पे ये भी रूल हो गया ना, क्योंकि मामा जी ने ये भी बोला था कि हो सकता है कि कई बार क्योंकि मेरी शादी जिस उसके हिसाब से हो रही है उस हिसाब से वो भी शादी बच्चा कैसे करना पड़ जाए। प्यार से बोल रही मेरे को नहीं करना ना, मेरे को नहीं भेजना तेरे को, मेरे को जाना है जाना और जाना, मैं तो जाऊंगी। हाँ तो मेरी सारी खुशियां तुम मेरी सक्सेस देख नहीं सकते। आज तक इतने टाइम में मेरे कोई जिंदगी में अपनी तुमसे कोई इच्छा नहीं जाएगी कि मुझे ये लेना है, मुझे ये करना है। ये इच्छा यहाँ भी पूरी हो जाएगी? नहीं, मुझे अमेरिका में इच्छा पूरी करनी है अपनी। मुझे बचपन से सपना था कि मैं अमेरिका जाऊंगी, इतना अच्छा मौका मुझे मिल रहा है। इन्हें पता नहीं क्या पड़ी हुई है। जब 15 साल पसंद आ गया, मामा ने लड़का भी दिखा दिया। लड़का नहीं देखा मैंने, और पहली बात ये तो मैं जब 15 साल में मेरे ऊपर ट्रस्ट हो गया, ऐसे उसको 1 साल में मेरे पे हो जाएगा, 1 साल में मेरे को उस पे हो जाएगा प्यार। यार मैं तुम्हें बुला रही हूँ यार, तेरा मामा कह रहा है देखते ही तो पसंद आ जाएगा, तो उसको छोड़ जाएगी, भूल जाएगी, सो गुना तो उससे ज्यादा पसंद आएगा तेरे को। मैंने तो लड़का तो अच्छा होगा ही यार। तो अच्छा है, लड़का बहुत अच्छा है, नो डाउट, मामा ने जैसा बताया। मैं तेरे मामा को जानता नहीं, मेरे को मामा से बातें नहीं करनी। मामा पता है क्या होता है, शकुन नहीं होते, कंस होते हैं। शकुन कंस नहीं है, रावण भी मामा ही था। प्लीज मैं चाहती हूँ, आप मना मत करो, प्लीज देखो तुम मेरे लिए तुम 1.5 साल नौकर नहीं बन सकते। मामा अच्छे नहीं होते, मेरे बाबू को फ्लाइट की टिकट बुक करना, और तुम ना उसमें आना, दो लोकल वाली होती, क्योंकि नौकर बन के आ रहे हो तुम वहां पे, पर आना प्लीज। मैं तेरे को बताऊं, मैं तुमसे फोन पे बात करूंगी, और मैं तुमसे मामा के सामने, मैं तुम्हें या तेरे मामा को, मैं मामा के सामने तुम्हें फोन नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे को वहां मामा जी ने स्पेशल बोला है। चुप रह यार, मामा से तो बात ही नहीं करेगी आज के बाद। एक बार भी तुमने मामा का नाम लिया ना, मैं तेरे को बता रहा हूं, पिट जाएगी मेरे हाथ से। मामा मामा कर यार, इतनी जेल करा दोगे? जो उसमें ना पर्स में उसमें चरस गांजा फिल्म रखवा दूंगा, तुम्हारे रखने से मान लेगा पुलिस कि मैंने चरस गांजा पिए, मान लेगा भाई, कुछ नहीं होता, सब मान लेगा। जो अपना है ना क्राइम ब्रांच वाले, वो भी दोस्त है मेरा, वही पकड़वा दूंगा तेरे को, ज्यादा बन के दिखा दिया। और एक बार केस लग गया ना, जा भी नहीं पाएगी कहीं पर। क्यों? केस ऐसे लग जाता है? केस लग जाता है? कौन सा केस लगवाओगे मेरे पे? चंद गाजा फिल्म बेचने का, वेरी डेंजरस, मिल जाएगी तेरे को पीआर, और वहाँ पे बैन हो गया। ये क्या पता नहीं क्या क्या होता है यार, तुम्हारा यही प्यार था ना, यही प्यार तुम करके दिखा रहे हो मुझे, ये पता था मुझे। अरे मेरे को प्यार करना ही नहीं, छोड़ो, नहीं भी हुआ तो उसके बाद मैं ऐसा ऐसा केस लगाऊंगा, लिख के जाऊंगा कि तूने मेरे को इतना परेशान करा एक लड़के चक्कर में, तेरा जो मामा अमेरिका वाला, क्या मामा था, पिंकू चिंकू क्या, दीपक मामा ने तेरे को ऐसा भड़काया, सब कुछ करा, और मेरी गृहस्थी करी, मेरी गृहस्थी खराब कर रहा है, मेरे बच्चे को खराब कर रहा है, और मेरी गृहस्थी में आग लगा रहा है, और उसके लिए तो किसी और को शादी शुदा होते हुए भी अपना कोर्ट मैरिज लगा के बोलूंगा कि वहां पर जाके ऐसे कर रहा था, और मैं फांसी लगा लूंगा और तेरे को चढ़वा दूंगा बस, और तू यहाँ जेल में पड़ी रहेगी 15-20 साल, निकलेगी नहीं, कर रही है तेरे सपने, 31 लाख रुपए मिलेंगे तेरे को, करके दिखा दूंगा, कर दिए दिमाग खराब।
क्या मजाक, मैं मामा पैदा नहीं हुआ है, मामा नहीं है कोई फिर वाशिंगटन में ही है, वाशिंगटन में ही है फिर जॉब नहीं मिली क्योंकि मैं प्रैंक कर रही थी प्रैंक कर रही थी अब बनोगे नौकर पागल नौकर प्रैंक कर रही थी मेरे को लग ही रहा था यार लग रहा था तेरे को कौन अमेरिका बुला रहा है बेवकूफ को सही है प्रैंक कर अमेरिका वाले थोड़ी ना लेंगे तेरे को डंका माल लेते हैं वो सेकंड हैंड माल तो वो भी नहीं लेते जस्ट शट अप मैं जा रही हूँ ठीक है और मैं देख रही थी तुम हंस रहे तुम जितना ये कर रहे थे ना ड्रामा कि फंसाऊंगा तेरे को ये करूंगा इसलिए बोल दिया था जा रही हूँ मैं जा रही हूँ दिमाग मत खराब कर जा रही हूँ मैं सच में जा रही हूँ देख लो फोन कॉल करके माल लेने सेकंड हैंड में अच्छा तू सही है प्रैंक प्रैंक तो मैं लगी क्या तू प्रैंक तो मैं कर सकता हूँ डर गया ना गुस्सा आ गया सही में मेरा मन कर रहा है मैं तो गला ही दबा दूं अभी थोड़ी देर और करे तो पक जाती सही बता लेकिन उसके बाद फिर जब उनको पता है लड़का भी है उन्होंने पसंद भी कर रखा है वहां पे तभी तो दीपक मामा हमारे खुद तो नाम दीपक हमारे दुनिया में अंधेरा कर देगा